हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद मंजुला में। आज हम बनाने वाले हैं कंडेंस्ड मिल्क। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग केक बनाने में होता है और हम खीर को गाढ़ा करने में या कोई भी मिठाई बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और इसमें जो भी चीज़ें लगती हैं वो भी बहुत ही कम हैं, हमारे घर में हमेशा ही रहती हैं। चलिए हम बनाते हैं। उसके लिए मैंने 500 ग्राम दूध लिया है, एक कटोरी चीनी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेंगे, उबाल आने तक पकाएंगे, उबलने देंगे अपने दूध को। और ये उबाल आ गई है, अब हम इसमें जो हमने चीनी ली थी एक कटोरी वो डालेंगे और जो थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया था वो भी डालेंगे अभी इसमें और इसको फिर अच्छे से उबालेंगे। इसको हमें गाढ़ा होने तक उबालना है। इसको बनाने में 25 से 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन उसके बाद हम इसके बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। और ये मार्केट में भी मिलता है, लेकिन घर पे अगर हम अपने से कुछ बनाते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। और हम इसको फ्रीज में रख भी सकते हैं बहुत दिनों तक, 10 से 15 दिन एयर टाइट डिब्बे में भर के रखना है और जब हमें ज़रूरत लगे तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसको उबलने देना है, हर एक दो मिनट में चलाते रहेंगे कि हमारा दूध नीचे से नहीं जले। और इसमें उबाल भी आती तो आप थोड़ा बड़ा बर्तन यूज़ करेंगे और चलाते रहेंगे तो उबाल से दूध नीचे नहीं गिरेगा। मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे इसको, अच्छे से चलाते रहेंगे। बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। ये देखिए गाढ़ा होने पर इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे हम एक तार की चाशनी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें बनाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है कि वो जम जाए ठंडा होने पर, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो ये थोड़ा गाढ़ा अपने से भी हो जाता है। और जब हम केक बनाते हैं और अगर एग का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम कंडेंस मिल्क का यूज़ करते हैं। ये देखिए हमारा 20 से 25 मिनट में ये कंडेंस्ड मिल्क बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने गैस को भी बंद कर दिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए फिर मैंने उसको डिब्बे में निकाल लिया है और ये कटोरी में। ये देखिए ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल मार्केट जैसा ही बना है। आप भी अपने घर पर बनाइए और मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।